नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ और बड़ी खबर के साथ, जहां पश्चिमी यूपी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी शामली। मुजफ्फरनगर में सीएम करेंगे जनसभा। मुजफ्फरनगर की दो विधानसभा सीटों पर जनसभा। चरथावल पुरकाजी में होगी सीएम की चुनावी जनसभा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्यमंत्री योगी का दौरा, चरथावल पुरकाजी में चुनावी सभाएं करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज पश्चिमी यूपी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो शामली मुजफ्फरनगर में सीएम जनसभा करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर है आपको बता दें, पश्चिमी यूपी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। चरथावल पुरकाजी में सीएम की चुनावी सभाएं होने जा रही हैं। दो विधानसभा सीटों पर जनसभा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री और जनता को संबोधित भी करेंगे। शामली मुजफ्फरनगर में सीएम आज जनसभा करने वाले। तो एक कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, जिसमें दो विधानसभा सीटें शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर है आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे। शामली मुजफ्फरनगर में सीएम जनसभा करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अब चुनाव जो है वो नजदीक आ चुका है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। गोरखपुर में कल ही उन्होंने नामांकन भी अपना दाखिल कर लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब डोर टू डोर वो पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखपुर से कल ही उन्होंने नामांकन जो है वो अपना दाखिल कर लिया है। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद रहे हैं कल, और तमाम बड़े नेताओं के बीच में, खासतौर से जब नामांकन दाखिल कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज पहुंचे हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए। तो सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जब अब यूपी के रण में मुख्यमंत्री का जो प्रण है वो अब दिखाई दे रहा है। किस तरह से वो बच्चों से भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें पैम्पलेट देते हुए भी नजर आ रहे हैं। छोटे से बच्चे की आप तस्वीर देख रहे हैं। उसके बाद जन सभा को आज संबोधित करना है, उनका आज कार्यक्रम है। दो विधानसभा सीटों के लिए आज प्रचार प्रसार करेंगे और अब ये डोर टू डोर कैंपेन भी उनका शुरू हो चुका है। सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब घर घर पहुंचे हैं गोरखपुर में और वोट मांगने की अपील जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो गोरखपुर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं घर घर कैंपेन करने के लिए। दो तस्वीरें देखिए और किस तरह से मुख्यमंत्री अब जो उनका काफिला है वो पहुंचा हुआ है और सीधे लोगों से जनसंपर्क चल रहा है, मुलाकात कर रहे हैं लोगों से, अपील भी खास तौर से, क्योंकि अब चुनावी रण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रण शुरू हो चुका है। हालांकि तमाम जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश कर रही हैं, और अब बीजेपी भी अब चुनावी मोड, पूरे एक्शन मोड में आ चुकी है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब सीधे लोगों के घर पहुंचे हुए हैं, बीच पहुंचे हुए हैं, बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं, बड़ों से मुलाकात कर रहे हैं, और ये पूरी कोशिश है कि ये जो रण है वो पूरी तरह से जीत में बदले, और इसकी कोशिश भी यही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, लोग पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि यहां पर आपको कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई भी कई जगह दिख जाएंगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर गोरखपुर से उन्होंने कल अपना नामांकन दाखिल किया। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच मुख्यमंत्री कल अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे, पूरी सिक्योरिटी थी, और अब खुद ही वो पहुंचे हुए हैं लोगों के घर घर और चुनावी रण में अब कूद चुके हैं, क्योंकि अब आहुति देने का जो समय है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। लोग किस तरह से अपना जो वोट है वो देते हैं ये फिलहाल देखना होगा, नजर बनी हुई है। लेकिन अब ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें आप देखिए, जब वो लोगों के घर पहुंचे गोरखपुर में और वोट डालने की अपील, और दूसरी तरफ खास तौर से यही अपील है उनकी कि जीत जो है वो सुनिश्चित की जाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डोर टू डोर कैंपेन प्रचार अभियान अब तेज गति से चल रहा है। गोरखपुर में सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं, जब गोरखपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं उनके साथ में कैंपेन करने के, चुनाव प्रचार, डोर टू डोर लोगों से अपील वोट डालने की भी, और दूसरी तरफ जीत की लिए
खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो यूपी किरण में अब मुख्यमंत्री का जो प्रण है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इस बीच बड़ी खबर बीएसपी ने जारी कर दी है 54 प्रत्याशियों की सूची। बड़ी खबर बीएसपी ने जारी की है 54 प्रत्याशियों की सूची। अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर की नई सूची, बस्ती संत कबीर गढ़ महाराजगंज के प्रत्याशी घोषित हुए हैं, गोरखपुर कुशीनगढ़ देवरिया बलिया के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, खलीलाबाद से आफताब आलम को बीएसपी ने टिकट दी है। तो खलीलाबाद से आपको बता दें आफताब आलम को बीएसपी ने टिकट दी है। 54 प्रत्याशियों की सूची अब बसपा ने जारी कर दी। लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से बात करें बसपा की 54 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है, बस्ती संत कबीर इसमें शामिल है, क्या कुछ खास तैयारियां और अब किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? देखिए बीएसपी की 54 सीटों को जो प्रत्याशियों को जो सूची जारी की है पांचवें छठे और सातवें चरण को लेकर के प्रत्याशियों की सूची जारी की है। काफी लंबे समय से इंतजार था, जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की शहर सीट से जब अपना उनका जो टिकट कंफर्म हुआ था, भाजपा ने कंफर्म किया था, तो एक ख्वाहिश थी कि समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर बीएसपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उनके सामने कौन प्रत्याशी उतारा जाएगा और क्या समीकरण होंगे। इस पूरी 54 प्रत्याशियों की लिस्ट में जो जातिगत समीकरण को लेकर बीएसपी ने साधने की कोशिश की है, खासकर उस गोरखपुर शहर सीट की बात करेंगे जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपना नामांकन दाखिल किया है। ख्वाजा शमसुद्दीन को बीएसपी ने उतारा है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बीएसपी ये सोच रही है कि हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है, तो ऐसे में मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर के ख्वाजा शमसुद्दीन को वहां पर मौके उस पर भरोसा जताया है। अब देखना होगा कि जो प्रत्याशियों की सूची है, जिस तरीके जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश की, इससे 54 सूचियों में अगर बात करें तो चाहे दलित वर्ग की बात करें या फिर ठाकुर ब्राह्मण, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। तो बिल्कुल देखना होगा बसपा ने जिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, सूची जारी कर दी है, उनमें कितनी जो है जीत के लिए आश्वस्त होती है बसपा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इधर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है, क्योंकि प्रदेश में चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे हैं और इस बीच और इनकी सूची भी फाइनल हो गई। बसपा की तीसरे चरण में 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है, जिसके नतीजे 10 मार्च को जनता के सामने आएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। तो चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अब कर लिए गए हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल जो है वो गर्म हो चुका है, क्योंकि अब तारीख धीरे धीरे नजदीक आ रही है। तीसरे चरण के प्रत्याशियों की सूची फाइनल है, 20 फरवरी को 59 सीटों पर चुनाव होना है। और इस बीच बड़ी खबर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मथुरा दौरा आज होने वाला है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मथुरा दौरा आज है, 11:35 पर मथुरा पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रत्याशी पूरन प्रकाश के पक्ष में जनसभा करेंगे, फरह के दीनदयाल धाम में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो मथुरा दौरे पर है, 11:35 का वो समय रखा गया है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मथुरा पहुंचेंगे। और बीजेपी प्रत्याशी हैं पूरन प्रकाश, जिनके पक्ष में जनसभा करते हुए रक्षा मंत्री नजर आएंगे। फरह के दीनदयाल धाम में जनसभा होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा को संबोधित करेंगे। तो मथुरा दौरे पर आज अखिलेश यादव भी रहेंगे, जयंत चौधरी भी मथुरा दौरे पर, और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आज मथुरा दौरा हो रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का भी आज मथुरा दौरा होना है। मांड में अखिलेश सपा आरएलजी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, गोवर्धन में जयंत सपा आरएलजी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे, सपा आरएलजी प्रत्याशी के पक्ष में संयुक्त प्रचार होगा। अखिलेश यादव करेंगे अलीगढ़ का भी दौरा, चुनावी मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:00 यश रेजिडेंसी में संबोधन कार्यक्रम होगा। तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का भी मथुरा दौरा आज का है, संयुक्त सभा करते हुए नजर आएंगे, चुनावी मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आएंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी।
तो एक तरफ रक्षा मंत्री का भी आज दौरा है मथुरा का, और दूसरी तरफ आपको बता दें अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी मथुरा दौरे पर हैं। दोपहर 12 बजे यश रेसिडेंसी में संबोधन कार्यक्रम रखा गया है, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, वहीं जयंत चौधरी भी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यानी दो जो पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिशों में लग गए, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तो दूसरी तरफ आपको बता दें अखिलेश यादव है, जयंत चौधरी हैं। मथुरा दौरा आज खास तौर से महत्वपूर्ण, मथुरा के लिए संबोधित। ज्यादा जानकारी के लिए मथुरा से हमारे साथ सुरेश सैनी जुड़ गए हैं। सुरेश, जिस तरह से बात करें मथुरा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं, क्या कुछ खास जानकारियां मिल पा रही है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की जनसभा होगी, कौन कौन इसमें शामिल रहेगा? फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे सुरेश से, तकनीकी कारणों की वजह से उनसे संपर्क टूट गया है। बता दें मथुरा में रक्षा मंत्री रहेंगे आज, और हापुड़ से भी खासतौर से जेपी नड्डा रहने वाले हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव आज मथुरा में रहेंगे, जयंत चौधरी का भी मथुरा दौरा है, जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, और 11:35 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी पूरन प्रकाश के पक्ष में जनसभा भी करते हुए नजर आएंगे। वहीं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी आज चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव अलीगढ़ का भी दौरा कर सकते हैं, तो चुनावी मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्योंकि अब चुनाव की जो तारीखें हैं वो नजदीक आ चुकी हैं, और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से पुरजोर कोशिशें कर रही है, जनसभा को लुभाने की पूरी जो कोशिश है वो चल रही है। तो बांट में अखिलेश सपा आरएलजी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। सुरेश, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। सुरेश, जिस तरह से बात करें, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कितने बजे पहुंचेंगे, क्या कुछ खास तैयारियां हैं सुरक्षा की, अगर हम बात करें क्या कुछ कार्यक्रम और कौन कौन उनके साथ शामिल रहेगा? जी, मथुरा में आज लगभग 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं, जो कि मथुरा के फरह इलाके में दीनदयाल धाम, जहां है पंडित दीनदयाल जी का जन्म स्थान है, वहां पर वो आज जनसभा करेंगे और अपने जो प्रत्याशी हैं भाजपा के पूरन प्रकाश, उनके समर्थन में आज चुनावी प्रचार करेंगे और उनके साथ साथ उनके लिए वोट डालने की अपील करेंगे। देखिए, जिस तरह से देखा जाए तो इस समय मथुरा में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं पूरन प्रकाश, उनका खासा विरोध भी देखने को मिल रहा है। कई जगह उनकी विधानसभा में लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की है, और जिस तरह से उनके खिलाफ जो आक्रोश है वो साफ दिख रहा है, और इसी वजह से भाजपा के बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ मथुरा में आकर के उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। और आज फरह इलाके में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, जो 11 बजे यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद चुनावी जनसभा को संबोधन करेंगे, और उसके बाद वो यहाँ पर, अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए, सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं। और इस बीच सुरेश, ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आज अखिलेश यादव का भी, जयंत चौधरी का भी दौरा है, उनके लिए क्या कुछ खास तैयारियां, क्या किस तरह की जनसभा यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दो चीजें आज एक साथ मथुरा में होने जा रही हैं। जी, जिस तरह से अगर राजनाथ सिंह भाजपा के समर्थन में यहाँ आ रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में आ रहे हैं, उसी तरह गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने के, उनके समर्थन में यहाँ सभा करने के लिए माट के जावरा रोड स्थित आदर इंस्टीट्यूट कॉलेज में अखिलेश यादव यहाँ पहुंचेंगे, लगभग 3 बजे पहुंचेंगे, और उसके बाद वो जनसभा करेंगे, उसके बाद वहां से जनसंपर्क करते हुए वृंदावन होते हुए मथुरा आएंगे। वहीं अगर बात करें आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, तो वो सौंख में आएंगे, और सौंख में जो उनके गठबंधन प्रत्याशी हैं उनके लिए वो जो चुनावी सभा को करेंगे, और वहां पे चूंकि कहा जाता है जिस तरह से जाट बाहुल्य क्षेत्र है उसमें जाटों की काफी बड़ी संख्या है, और जो गोवर्धन विधानसभा से उनके जो प्रत्याशी हैं प्रीतम सिंह, उनके समर्थन में वो वोट मांगेंगे और वहां पे आकर के एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें आशंका लगाई जा रही है और वोट मांगने की अपील दोनों ही आज दल जो है वो करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। और इस बीच बड़ी खबर, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हापुड़ मुरादाबाद का दौरा, नगर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हापुड़ मुरादाबाद का दौरा, नगर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे, निजी होटल में जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी पदाधिकारियों का कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को नड्डा आज चुनावी मंत्र जो है वो देने जा रहे हैं। अमन त्यागी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, जिस तरह से बात करें लगातार प्रचार प्रसार, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी हापुड़ मुरादाबाद का दौरा, किस तरह से पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने की कोशिश, चुनावी मंत्र देते हुए नजर आएंगे, कितने बजे का कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आज करीब 1 बजे हापुड़ पहुंचेंगे, और यहाँ पर जो है
कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और एक बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए कोई मंत्र भी देने वाले हैं और यहाँ पर जो हापुड़ सत्ता प्रत्याशी है विजयपाल आरती उनके लिए वोट भी मांगेंगे। जी तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने की अपील करते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद का आज दौरा हो रहा है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद का दौरा आज है। 12:45 पर बादलपुर हेलीपैड पर पहुंचेंगे केशव मौर्य। दादरी में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क करेंगे। 1 बजे छपरोला कार्यक्रम में शामिल होंगे केशव मौर्य। तो 1 बजे छपरोला कार्यक्रम में केशव मौर्य शामिल होने जा रहे हैं। दादरी में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क करेंगे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। हैदर अली ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गया। हैदर, जिस तरह से बात करें डिप्टी सीएम केशव मौर्य का, क्या कुछ खास कार्यक्रम है, कितने बजे पहुंचने वाले हैं, छपरोला में क्या कुछ खास कार्यक्रम है? देखिए श्वेता, अगर गाजियाबाद और नोएडा की बात की जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आते ही रहे हैं और कहीं ना कहीं इनका दबदबा भी रहा है, इसलिए ये कहीं ना कहीं जहाँ पर अगर गाजियाबाद की मैं बात करूँ तो लोनी विधानसभा में वो आ रहे हैं, जहाँ भी कुछ दिन पहले ही अमित शाह आए थे, यहाँ इनका 2 बजे का प्रोग्राम प्रस्तावित है। अगर बात की जाए श्वेता तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले 2 बजे यहाँ पर उतरेंगे। यहाँ पर एक हेलीपैड बनाया गया है निजी, जहाँ अमित शाह का हेलीपैड था वही उसका हेलीपैड बनाया गया, उसके बाद ही वो यहाँ से लोनी रामकिला ग्राउंड पहुंचेंगे जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर आपको बता दूं बेटा तो यहां पर आज AIMMI के प्रमुख जो है सुदीप द्विवेदी का भी दौरा था, जो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से अनुमति न मिलने के कारण रद्द हुआ है। और यही वजह है कि आज माना जा रहा है कि लोनी विधानसभा सीट जो है वो पिछली बार जो बहुत अच्छे बहुमत थे नंद किशोर गुर्जर जो वहां के विधायक थे वो अच्छे वोट जीते थे, लेकिन इस बार विरोध देखने के मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं वोटरों को लाने साधने के लिए और कहीं ना कहीं एकजुट करने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ आ रहे हैं। तो हैदर, जिस तरह से बात करें गाजियाबाद ओबीसी का दौरा रद्द कर दिया गया, वहीं केशव प्रसाद के मौर्य को जो दौरा है उसको इजाजत दी गई है। हालांकि जो Z+ की श्रेणी की सुरक्षा की बात की जा रही थी वो भी उन्होंने मना कर दिया था ओबीसी ने, क्या बड़ी वजह, अब क्या कुछ दौरा क्यों निरस्त हुआ है उनका? तो हमने इसके बारे में जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे बात की थी, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं लोनी के डॉक्टर मेहताब, उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि हमें परमिशन नहीं मिल पाई हेलीपैड को, हेलीकॉप्टर को उनको उतारने के लिए, और यही वजह है कि उनका जो दौरा है वो रद्द हुआ है। अब जब जिलाध्यक्ष यहाँ के जो परवेज अख्तर पाशा उनसे बात की, जब उन्होंने बताया कि अब हम दोबारा से कोई प्रोग्राम लेंगे और लेने के बाद कार्यक्रम जब हमारे पास परमिशन मिल जाएगी उसके बाद दोबारा प्रोग्राम कराया जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए, देखिए जब हम गांव की चीरों पर जाते हैं श्वेता, तो कहीं ना कहीं नंदकिशोर गुर्जर जो है उनका विरोध देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जनता जो है वो अब इस टाइम बढ़ चुकी है, जिस जो जाट समुदाय है किसान आंदोलन के बाद से नंदकिशोर गुर्जर के विरोध में आ गया है, तो कहीं ना कहीं उनको एकजुट करने के लिए बड़े पदाधिकारियों का यहाँ पर आना कहीं ना कहीं लाजमी है। और यही वजह है केशव प्रसाद मौर्य का आज गाजियाबाद की लोनी विधानसभा में आना किसी बात को देखा जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि संगठन के अंदर किसी तरह का फूट हो जिससे प्रत्याशी पर उत्तर उठाना पड़े। तो हैदर, हमें बताने की किस तरह का जो कार्यक्रम है वो खासतौर से आयोजित किया गया, क्या कुछ तैयारियां हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इधर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज हरिद्वार और उधम सिंह नगर का दौरा करेंगे। वो सुबह पंतनगर में उतरेंगे और फिर किच्छा पहुंचकर किसानों के साथ संवाद करेंगे, जहां से वो दोबारा पंतनगर एयरपोर्ट जाएंगे और जौली ग्रांड एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। इसके बाद हरिद्वार में राहुल गांधी वर्चुअल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना करेंगे। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल पहुंचकर जायजा भी लिया। बम निरोधक दस्ते डॉग स्क्वाड ने चप्पे चप्पे की जांच की। राहुल गांधी जौली ग्रांड एयरपोर्ट से वाया कार से हरिद्वार आएंगे। राहुल गांधी आज शाम 4 बजे कार्यक्रम स्थल नेहरू युवा केंद्र पहुंचेंगे। वर्चुअल संवाद करने के बाद राहुल गांधी 5:30 बजे हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर मां गंगा से आशीर्वाद लेंगे। कंचन वर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गया है। कंचन, राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की वो तो हमने अपने दर्शकों को बताई, किस तरह का जो कार्यक्रम है वो आज रखा गया है, क्या कुछ खास? देखिए, अब से कुछ समय बाद ही राहुल गांधी किच्छा के मंडी स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर किसानों से सीधा संवाद करेंगे। 1000 कोविड को देखते हुए 1000 लोगों को पास जारी किए गए हैं, जो सभा स्थल पर जो है वर्चुअल जो लहरी है उस पर जा सकते हैं। वहां पर मैं आपको बता दूं, उधम सिंह नगर जो है वो पूरी किसान बेल्ट है और कहीं ना कहीं
राहुल गांधी किसानों से सीधा संवाद करेंगे और ऊधम सिंह नगर की जो 9 सीटें हैं उनमें किसान जो है बड़ी मात्रा में है, ऐसी स्थिति माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं किसानों को मोटिवेट करने के लिए कांग्रेस की तरफ जो है वो लाने के लिए ये रैली रखी गई है। और बड़ी बात ये भी है कि अगर आप चुनाव के जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनके पहले चरण में देखें तो उत्तराखंड में कांग्रेस जो है प्रचार में पीछे नजर आ रही थी। अगर बात करें खटीमा की तो नितिन गडकरी वहां पर आ चुके हैं, इसके अलावा हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो चुकी है, अब किच्छा में जो है वो आज रैली है कांग्रेस की। तो कहीं ना कहीं किसानों को साधने के लिए जो है वो कांग्रेस ने ये कदम उठाया है। जी बिल्कुल, तो हिंदुत्व की राह पर राहुल गांधी चलते हुए नजर आएंगे, हर की पैड़ी में पूजा अर्चना करेंगे, माँ गंगा का आशीर्वाद लेंगे और तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच राहुल गांधी वर्चुअल रैली के माध्यम से किसानों को सीधे तौर पर संबोधित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। उत्तराखंड के सभी सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक की पढ़ाई 7 फरवरी से शुरू होगी। स्कूल में पढ़ाई ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन कराई जाएगी। स्कूल के आवासीय परिसर में रहने वाले शिक्षकों और अन्य कार्मिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का प्रमाण पत्र 48 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही उन्हें विद्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। विद्यालय में प्रार्थना सभा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों को स्थगित भी रखा गया है। वहीं सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। साथ ही साथ 31 जनवरी से सभी सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी स्कूलों में 10वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई शुरू की जा चुकी है। इधर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी यानी कि आज के दिन तय कर दी गई है। इस दौरान कलश यात्रा की तिथि निश्चित की जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के डिम्मर के पास लक्ष्मी नारायण मंदिर से कलश के साथ धार्मिक केंद्रीय पंचायत के कार्यकारी कलश को लेकर सुबह मंदिर समिति के चंद्रभागा धर्मस्थल पहुंचे और इस दौरान प्रबंधक अमित राणा ने कलश का स्वागत किया। तेल कलश राजमहल को सुपुर्द कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि में राजमहल नरेंद्र नगर से भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए तेल का कलश कपाट खुलने के अवसर पर बद्रीनाथ धाम पहुंचा दिया जाएगा। वहीं इस अवसर पर राज परिवार के सदस्य, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, पंचायत प्रतिनिधि और धर्माचार्य भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।